साथियों जय हिंद। जय हिंद सर। के स्टूडेंट हैं जो लॉन्ग जंपर हैं, और तो इनकी बहुत सारी कुछ परेशानियां हैं। वो परेशानी हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से इसलिए मैं शेयर करना चाह रहा हूं कि आपको भी एक ये परेशानियां आती होंगी जो खिलाड़ी हैं। ये कि कैसा लगता है जब आप ट्रेनिंग करते हो, तो क्या आपका पढ़ाई में मन लगता है, कैसा लगता है? सर मेरा क्या है, सर मैं 4 साल से स्पोर्ट्स से जुड़ा हूँ, तो सर मैं तो अभी तक तो ठीक पढ़ा, लेकिन जब से मैं स्पोर्ट में घुसा सर, तो इसके लिए मैं सर मेरा पूरा फोकस स्पोर्ट में रहता है सर। और स्पोर्ट के अलावा सर कोशिश तो बहुत करता हूँ कि मैं पढ़ाई करूँ, घर में जाके पढ़ाई भी करता रहूँ, अपना स्पोर्ट भी करूँ, दोनों को टाइम दूँ, लेकिन सर ऐसा नहीं हो पाता है। सिर्फ मतलब खेलने में ही मन लगता है। यस सर, स्पोर्ट में। और आपके साथ कैसा लगता है, आपके दिल की बात बताओ, उसका सलूशन बताना। मैं अभी सर 11th में हूँ। मेरा सर पढ़ाई में भी थोड़ा मन लगता है, इसमें भी लगता है, पर ज्यादा सर स्पोर्ट में लगता है। स्पोर्ट्स में आपका बेटा? स्पोर्ट्स में ज्यादा मन लगता है, उसमें पढ़ने का मन नहीं लगता है। आपका बेटा? स्पोर्ट्स में ज्यादा लगता है आपका, स्पोर्ट्स में। तो साथियों मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये वीडियो हमारी बहुत सारे लोग देखते हैं, जो नए बंदे आ रहे हैं, इस हमारे वीडियो को ऑनलाइन प्लेटफार्म में जो हमको देख पा रहे हैं, नए लोग हैं तो उसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लें, और नए लोगों को जानकारी मिल पाएगी। ये जो स्पोर्ट्समैनों के साथ प्रॉब्लम होता है दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में या पूरे वर्ल्ड में, सभी मतलब लोगों के साथ ऐसा होता है कि जो पढ़ने का मन नहीं करता है। ये हमारी बॉडी में 2 टाइप की नर्व होती है, या हमारा दाहिना स्वर होता है, एक हमारा बायां स्वर होता है। इसको हम एक को हम मतलब बायां स्वर को है मतलब कि उसमें चंद्र नाड़ी, और दाहिने स्वर को सूर्य मतलब कि नाड़ी बोलते हैं। और जब दोनों स्वरों से मतलब सांस चलती है तो सुषुम्भा होती है। जब सांस हमारी यहाँ से आती है तो स्पाइनल कोड होता है हमारा, ये स्पाइनल कोड, ये मैं दिखा दूँ, ये स्पाइनल कोड है, खोल दो। जब हम सांस लेते हैं तो ये हमारा यहाँ से सांस क्या है, नाक से सांस लिए, सांस लेकर के ये सांस हमारी कहाँ तक, अमूमन ज़्यादातर आजकल 90% लोगों की सांस इसके नीचे आती नहीं है। सांस क्या है, आनी चाहिए क्या है, लास्ट कोक्सीजन स्पाइनल कोड तक। जब हमारा दाहिना स्वर चलता है तो हमारा क्या होता है, हमारा फिजिकल करने का खूब मन करता है, वो नेचर है, प्रकृति ने दिया है। तो आपने आप दाहिने मतलब कि उसमें नाक से सांस लीजिए, देखिए जब दाहिना स्वर आपका चलेगा तो आपका फिजिकल, देखा होगा कि जब फिजिकल एक्टिविटी का मन करता है तो आपने देखा होगा सांसों से नाक ली सांस लीजिएगा तो दाहिने स्वर से आसानी से सांस अंदर जाएगी, बाएं स्वर से आपकी सांस क्या है, रुकेगी मतलब ब्लॉक रहेगी। और जब जिस व्यक्ति का बाया स्वर चलता है तो उसको विद्या अध्ययन करने में ज़्यादा मन लगता है। तो अगर आपने अगर बॉडी के लिए दोनों चीज़ जरूरी है, अध्ययन, ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है, तो ज्ञान होगा तभी तो आप लॉन्ग जंप करेंगे, उसके टेक्निक को जान पाएंगे, उसके हर चीज़ के सिस्टम को जान पाएंगे। तो ये मैं बताना इसलिए चाहता हूँ कि अगर आपने ज्ञान के माध्यम, ज्ञान और फिजिकल, एजुकेशन और फिजिकल दोनों को आप तालमेल करते हैं तो आपके बॉडी का जो है डिसबैलेंस नहीं होती है सांस। तो सांस बॉडी में आपका डिसबैलेंस, 1 घंटा आपका दाहिना स्वर चलना चाहिए, 1 घंटा आपका क्या चलना चाहिए, बायां स्वर, और नियम के अनुसार जो सुषुम्भा नाड़ी है दोनों स्वर है, 1 घंटा, 1-1 घंटा, 8-3-24। अगर जिनका 1-1 घंटा तीनों स्वर चल रहे हैं तो समझिए मैं स्वस्थ हूँ, अगर जिनका तीनों स्वर 1-1 घंटे में चेंज नहीं हो रहे हैं, नहीं चल पा रहे हैं, आपके अंदर बॉडी में डिसबैलेंस हो गया है हार्मोन्स का, आपके जो ए ऑर्गन्स हैं इमरजेंसी मोड में काम कर रहे हैं, इसलिए आपका एक टाइम पे फोकस लग रहा है। ज़्यादातर जो बच्चे एजुकेशन में ध्यान देते हैं, दिन भर पढ़ते रहते हैं, उनका फिजिकल में बिल्कुल मन नहीं लगता है, क्योंकि उनका कारण क्या है कि उनका बैलेंस जो है डिसबैलेंस हो गया है, उनका क्या है, बायां स्वर चल रहा है। स्वर विज्ञान का ही सारा खेल है, तो उनको क्या है कि उनके बॉडी में डिसबैलेंस हो गया है। उनको चाहिए, अगर किसी के साथ ऐसी परेशानियां हो रही हैं तो जिन चीज़ों में मन ना लगता हो उसको आप ज़रूर सोने के पहले आपको 10 मिनट 15 मिनट आप किताब लेके पढ़िए, या फिजिकल करने में मन ना लगता हो तो सुबह उठिए, आप वॉकिंग ही कर लीजिए, आपका जो स्वर विज्ञान कहता है मतलब तो आपके अंदर की एक ऊर्जा जो है तो बहुत तगड़ी बनना शुरू हो जाएगी, तो आपका रिजल्ट बहुत जल्दी आना शुरू होगा। तो इस वजह से मैं इन बच्चों को आज खड़ा करके इसलिए बताना चाह रहा हूँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कि आपको क्या है कि अगर ऐसी समस्याओं का आप परेशान हैं, आप ऐसा करेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस, अभी देखना इन बच्चों की परफॉर्मेंस 6 मीटर
कि 6.5 मीटर लॉन्ग जंप कर रहे हैं, अगर आपका ये त्रुटि आपने दूर कर लिया, एजुकेशन को आपने ध्यान दिया, आपका बहुत जल्दी 1 महीने के अंदर 7 मीटर लॉन्ग जंप जाएगा। क्योंकि सारा काम है दिमाग का, हाथ पैर का कोई काम नहीं है। जैसा आप दिमाग में थॉट्स पैदा करेंगे, जैसा सोचेंगे, वैसा ही हार्मोन्स यहाँ हार्मोन्स रिलीज करता है, पूरे बॉडी में वैसे खून का संचार होता है। 72,000 नाड़ियाँ हैं, कि इतनी नाड़ियाँ हैं, 72,000 नाड़ियाँ हैं। उन नाड़ियों में क्या चलता है? खून, खून चलता है। खून को ले जाने वाला कौन होता है, उसको संचार करने वाला क्या होता है? हमारी हवा, ऑक्सीजन। तो जब हमारी ऑक्सीजन सही मात्रा से, ऑक्सीजन का बॉडी में डिसबैलेंस होगा, तो बताइए जब 72,000 नाड़ियों में खून का संचार नहीं होगा, तो दिमाग को हमें ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो हमारा दिमाग क्या होगा? बोझिला होगा, स्ट्रेस होगा, दर्द टाइप का लगेगा, पढ़ने में मन नहीं करेगा, दौड़ने में मन नहीं करेगा, अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ये सारी समस्याओं का आपका सामना होगा। तो सारी ऊर्जा का स्रोत है, 90% ऊर्जा आपको किससे मिल रही है? सांस से। 10% आपको किससे मिल रही है? खाने से। तो सांस को यहाँ से लीजिए, और नाभि मूलाधार चक्र तक अगर सांस आपकी जा रही है, अनुभव हो रहा है, आपको किसी प्रकार की बीमारी न होगी। अब ये ऐसी उपाय है, आज करो, 10 मिनट के अंदर आपको रिजल्ट मिलेगा, 10 मिनट के अंदर आपको रिजल्ट मिलेगा। आपका दिमाग फ्रेश हो जाएगा, काम करने में मन लगेगा, सारी आपकी परेशानियां ठीक हो जाएंगी। तो साथियों, ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, मेरा वीडियो बहुत सारे लोग देख पा रहे हैं। अगर कोई भी 4 भी 10 भी बच्चे इस पे अमल कर लिए और लोगों को सिखाएंगे, उनका जीवन धन्य हो जाएगा। तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि जो नए लोग हैं, इस वीडियो को लाइक कर लें, इसको सब्सक्राइब कर लें, और अपने साथियों को शेयर करें, तो उनसे ऐसी जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ओके, जय हिंद। जय हिंद साहब।